हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? शिक्षा वृत्ति जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और जैसे आपको मालूम है कि हमारी जमीनी स्तर की टीम श्री रंजीत गौर जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगे और साथ में पद वृद्धि के साथ सभी को मौका मिले शिक्षक भर्ती में भाग लेने का। और दोस्तों, इस मांग की आखिरकार जीत हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 19/1/2023 का ये आदेश है। माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हेतु शाला विकल्प चयन संबंधी सूचना, माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29/9/2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। इस सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा या जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं, उन्हें शाला विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो ये आदेश जारी हो गया है, जो है अब च्वाइस फिलिंग का मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जो कि पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी मांग थी हमारी जमीनी स्तर की टीम की, तो वो पूरी हुई है। यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग होने से जनजाति कार्य विभाग द्वारा माप उपरांत जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिसंबर माह में जारी किए गए थे, उनके लिए भी विकल्प चयन की सुविधा समाप्त की जा रही है। तो दोस्तों, जो दिसंबर में ज्वाइन कर चुके थे, उनके लिए पहले शाला का ऑप्शन खुला हुआ था, अब वो भी बंद कर दिया। इस पर मैं आपको सुबह वीडियो ले आया था, उन्हें शाला आवंटन नहीं किया जाएगा। आगे देखें दोस्तों, उक्त अभ्यर्थी को शाला आवंटन की पात्रता न आने से विज्ञापित रिक्तियों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी की सूची में ऐसे मेरिट क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी अतिरिक्त सूची, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, अतिरिक्त सूची जारी की जा रही है। इन अभ्यर्थियों में अपेक्षित है कि वे 24 जनवरी 2023 तक शाला के विकल्प का चयन कर लें। अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प अथवा किसी विषय से 50 से कम रिक्ति होने पर समस्त रिक्तियों का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक शालाओं का चयन करें। समय अवधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित द्वारा चयनित शालाएं सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित न हो पाने की स्थिति में उपलब्ध रिक्तियों में विभागीय प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शाला आवंटन नियुक्तिवार प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। तो दोस्तों, अतिरिक्त सूची वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन खोल दिया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जो भी अतिरिक्त सूची में नाम आए, फाइनली उन्हें मौका दिया जा रहा है और आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ, वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा आय आधारित यानी EWS के आरक्षण लाभ लिया, उनके अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधित अभ्यर्थी मान्य अमान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40% व अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। छठवां पॉइंट देखेंगे तो ये वही है कि चयन के संबंध विभाग के अधिकारी को फोन या व्हाट्सएप पर आप परेशान न करें। और ये सातवां पॉइंट वो है कि यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं और MP ऑनलाइन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त सूची वालों को एक मौका दे दिया गया है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी जीत है हमारी टीम की, हमारी जमीनी स्तर की टीम की, क्योंकि उनका संघर्ष दोस्तों बहुत बड़ा है। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है दोस्तों, जहाँ पर एक कहें कि संभावना बन गई है सभी के लिए, और आगे भी जो है मुहिम जारी है कि पद वृद्धि हो और सभी को यहाँ पर मौका मिले दोस्तों। तो हमारे श्री रंजीत गौर जी और जमीनी स्तर की टीम को दिल से धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को, क्योंकि आपने हर एक मुहिम को जो है एक कहे कि सहयोग किया है दोस्तों। आपके सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।